चाय और चाय वाले से पंगा बाबा कभी ना लेना भाई, नहीं तो नपना तय है। ये कोई ठिठोली या सोशल मीडिया पर रायते जैसा फैलता हुआ बयान नहीं है साहब, बल्कि गुरु ये तो एकदम अटल सत्य है। चाय वाले से उलझना क्या होता है इस अनुभव के बारे में पूछना हो तो राहुल गांधी से पूछिएगा, कांग्रेस से पूछिएगा, या फिर उद्धव अखिलेश को टटोल लीजिएगा। गुना उफ, चाय वाले से 36 हो लिए थे। और यदि चाय के पंगे का अनुभव जानना चाहते हैं तो राकेश कंचुआ यानी कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं साहब, मुख्यमंत्री की आव भगत के दौरान ठंडी चाय पेश कर दी। अब जब मुखिया जी की चाय ठंडी हो तो साहब जिला प्रशासन की किरकिरी होना तो बनती है। फिर क्या था साहब, सीएम के जाते ही मामला फट पड़ा और नाश्ते की व्यवस्था करने वाले अफसर को मिल गया स्पष्टीकरण। देखिए वीवीआईपी के प्रोटोकॉल में जो नॉर्म से उनका अनुपालन करना हमारी जवाबदारी है, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं किसी तरह की चूक नहीं होना चाहिए। मैंने खुद देखा था कि जो चाय थी वो ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिसके लिए ये दायित्व सौंपा था उसके लिए नोटिस जारी किया है कि आपको इस तरह की कोताही नहीं बरतना चाहिए। हालांकि कलेक्टर साहब ने अपना तर्क देते हुए इस मामले पर विराम लगा दिया है। मामला है साहब 11 जुलाई का, छतरपुर के खजुराहो एयरपोर्ट पर सीएम साहब की ट्रांजिट विजिट थी, इसी दौरान नाश्ता परोसा जाना था। व्यवस्था में जुटे साहब थोड़े अलसा गए और फिर क्या था, मिल गया नोटिस। इस खबर से क्या सीख मिलती है? इस खबर से साहब बस इतनी ही सीख मिलती है कि चाय हो या चाय वाला, पंगा कतई मत लेना। ये दोनों आपके करियर और सुकून की लंका लगा सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण।